नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर। दोस्तों यहाँ पर आपका बाइंग को लेकर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड देन बता देना चाहता हूँ, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उस टाइम पर बोला था कि ये दो एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो उस टाइम तक जो है दो ही एक्सचेंजों पे लिस्ट हो रहा था। बट आज के टाइम में काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होने जा रहा है, तो उसके जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके ट्विटर हैंडल को यहाँ से जो है हमें ओपन करना होगा और वहाँ से हम जान सकेंगे कि ये जो बड़े बड़े एक्सचेंज जो हैं वो कौन से ऐसे एक्सचेंज हैं जिन पर ये जो है लिस्ट होने जा रहा है। और साथ में ये भी जानेंगे कि आप इसे बाय कैसे कर सकते हैं। लाइव प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक आपको देखना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने उन दोस्तों के साथ जो जो है अभी के टाइम पर लॉस में चले हुए हैं, ताकि वो भी अपना प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर पाएं। तो चलिए हम इसके ट्विटर हैंडल को ओपन करेंगे एंड देन देख सकते हैं ये इसका ट्विटर है दोस्तों। और यहाँ पर हमने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद देन नीचे की तरफ देन जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो लवली इंजू को देखकर यहाँ पर देख सकते हैं दो ही एक्सचेंजों पे यहाँ पर बोला गया अभी के टाइम पर। एंड देन ओन बोला गया कि 5 एक्सचेंज, तो सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे हम इसे अलग 3 एक्सचेंज है वो कौन सी ऐसी एक्सचेंज जिस पर ये लिस्ट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ से हम देन जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तो बड़े बड़े एक्सचेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं वो एक्सचेंज आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और किस टाइम पर जो है वहाँ पर ये लॉन्च होने की बात जो है कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, सबसे वर्ल्ड का सबसे प्लेटफॉर्म बड़ा बोल सकते हैं बाइनेंस है, और वहाँ पर भी जो है एक्सचेंज पर ये लिस्ट होगा 7 जुलाई को। और यहाँ पर UTS का टाइम भी दिया गया है, देख सकते हैं आप 13.00 करके UTS का टाइम दिया गया है। और यहाँ पर बाइनेंस पे लिस्ट होगा लवली इंजू, और यकीन मानिए वहाँ पर ये लिस्ट होता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको गेन करके दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इसको बाय कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, DApp पर आना और यहाँ पर जो टाइप करेंगे आप लवली को टाइप करेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद FINANCE करके टाइप करेंगे, उसके बाद टिक मार्क कर देंगे। और देन जैसे आप टिक मार्क करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहां से आप बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। देन जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो कुछ यहां पर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, उसके बाद बाय टोकन पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे बाय टोकन पर यहां पर क्लिक करेंगे कितना बाय कर सकते हैं, $5 से $6 का भी आप यहां पर बाय कर सकते हैं। काफ़ी कॉमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि हमने $100 का भी बाय करने की कोशिश की लेकिन हम जो बाय ही नहीं कर पाए। तो यहां पर बिल्कुल लाइव आप बाय करके मैं दिखाता हूं। तो यहां से देखिए, चलिए मैं यहां पर बाय कर लेता हूं 0.02, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये देखिए इतना लवली इंजो हमें मिलेगा, उसके बाद परचेंज पर हम क्लिक करेंगे। देन जैसे परचेंज पर क्लिक करते हैं तो कुछ इतना हमें जो है यहाँ पर फीस भी जो है देना होगा, जो कि आपके सामने अभी के टाइम पर जो है ओपन होगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो हमारा बाय होगा 5.74 जो है यहाँ पर डॉलर का हमें आ रहा जो बाय होगा, और जो हमें नेटवर्क फीस देना होगा 0.19 हमें फीस देना होगा। उसके बाद हमें अप्रूव करना है, अप्रूव करते ही आपके वॉलेट के अंदर ये बाय जो है हो जाएगा। अभी ये जो हमने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, तो चलिए ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मैं दिखाता हूँ कि लवली जो हमें जो है यहाँ पर मिला भी है या फिर नहीं मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमें लवली इंजू यहाँ पर आपके सामने हमें जो है यहाँ पर मिल चुका है, और बिल्कुल लाइव प्रूफ करके मैंने यहाँ पर दिखाया है। इस तरीके से आप बाय जो है कर सकते हैं। तो अभी जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो कि अभी के टाइम पर लॉस पर चले हुए हैं, आने वाले टाइम में वो भी एक प्रॉफिट पर जो है गेन कर सके। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।